के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रतिबंधित पॉलिथीन और थर्माकोल के खिलाफ नगर निगम और जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जब्त किया 50 कुंतल के पॉलिथीन और थर्माकोल के बर्तन, लगाया 50,000 का जुर्माना। आपसी समझौते के बाद कई दिनों से चल रही विद्युत मीटर रीडरों की हड़ताल समाप्त। जिला प्रशासन ने कराया समझौता, काम पर लौटे मीटर रीडर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र पहनाकर किया गया सम्मानित। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कार्यकर्ताओं के त्याग, बलिदान एवं परिश्रम का ही है यह नतीजा। ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को लेकर रेलवे प्रशासन गंभीर। CPRO ने कहा, बढ़ाई जा रही है ट्रेनों की बोगियों की संख्या और अतिरिक्त ट्रेनें, जिससे न हो सके यात्रियों को कोई दिक्कत। भारतीय संस्कृति रक्षा परिषद द्वारा गोरखनाथ मंदिर स्थित भीम सरोवर पर मां गंगा के अवतरण दिवस के अवसर पर महाआरती का किया गया आयोजन। बुधवार को मौसम ने बदला करवट, आंधी के साथ हुई हल्की बारिश, लोगों को मिली गर्मी और उमस से फौरी राहत। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट की उम्मीद कम। पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक निखिल पांडे की अध्यक्षता में हुई कंप्यूटर पर वॉइस टाइपिंग की कार्यशाला एवं राजभाषा की समीक्षा बैठक। वेतन की मांग को लेकर मोहरीपुर स्थित वृद्धाश्रम के कर्मचारियों ने मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन, संचालक पर मनमानी करने का लगाया आरोप। गोरखपुर विश्वविद्यालय की संयुक्त स्नातक प्रवेश परीक्षाओं के दूसरे दिन BSc गणित एवं BSc जीव विज्ञान की प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। और 23 से 25 जून तक होगा अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ का चिंतन शिविर और गोष्ठी, संगठन के प्रदेश महामंत्री ने दी जानकारी।